गाइस, वेलकम टू क्लासिक क्रेविंग्स। मैं हूं नेहा और आज मैं बनाऊंगी सांभर। इसे बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ बनाएंगे, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो फटाफट सांभर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में अरहर की दाल ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे सारी सब्जियाँ। मैंने यहाँ लौकी, कद्दू, बैंगन और टमाटर काट के डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। अब डालेंगे कुछ मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला। मैंने यहाँ MDH का सांभर मसाला लिया है, आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं। अब डालेंगे नमक और बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कुकर की लिड लगाकर इसे गैस पर रख देंगे और 4-5 सीटी लगने तक पका लेंगे। ये लीजिए, मैंने इसमें 5 सीटी लगा ली हैं। देखिए, सब्जियां और दाल दोनों पक चुके हैं। अब क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, इसमें डालेंगे गर्म पानी। आप जितना पतला सांभर पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डाल लें। अब बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प। अच्छा, मैंने पल्प डाला तो था बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। इमली का पल्प कुछ ऐसा दिखता है। इमली को गर्म पानी में भिगा के, मसल के और अच्छे से छान के आप पल्प बना सकते हैं। सब अच्छे से मिला देंगे और एक बॉईल आने तक गैस पर फिर से रख देंगे। ये देखिए, बॉईल आ गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब बनाएंगे सांभर का तड़का। इसके लिए तड़का पैन में ले लेंगे ऑयल। ऑयल हल्का गर्म होने पर डाल देंगे राई दाना। राई को चटकने देंगे। राई चटक जाएगी फिर डालेंगे सूखी साबुत लाल मिर्च। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब डालेंगे करी पत्ते और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस अब ये तड़का रेडी है। अब इसे डायरेक्ट ले जाकर डाल देंगे सांभर में। बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लीजिए, आपका सांभर फटाफट बनके तैयार हो गया है। इसे भी गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगा। तो देखा आपने, सांभर बनाना कितना आसान है। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।